बच्चा, जैसे कि लास्ट क्लास में हम पूरी की पूरी प्रोसेस समझ चुके हैं, अब हम डिटेल सारी चीजें पढ़ रहे थे। बच्चा, अब आज का फ्रेश टॉपिक क्या है? एस्क्रो अकाउंट। ये एक अकाउंट होता है जो एक्वायरर क्या करेगा, कंपनी के नाम से ओपन करेगा और उसमें क्या करेगा, पैसे डालेगा। पैसे क्यों डालेगा? क्योंकि जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे तो उससे पैसा निकाल के बस उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना बचाओ, हम भरोसा दिला सके, प्रमोटर भरोसा दिला सके, मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीदने को तैयार हूँ। क्लियर है? अब बच्चा बहुत डिटेलिंग पढ़ने वाले, आ जाइए। इन्होंने कहा सबसे पहला पैराग्राफ, द एक्वायरर शेल ओपन इन द इंटरेस्ट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट। ये एस्क्रो अकाउंट कहाँ खुलेंगे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अरे नॉर्मली जितने भी बैंक देखते हो बच्चा, SBI, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ऐसे किसी भी बैंक में जाके आप क्या कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो। बच्चा प्रैक्टिकली होता क्या है, एक अकाउंट आपकी कंपनी का होता है जो एक कमर्शियल बैंक में होता है, वहीं पे आप ये सारे जनरली खुलाते हो। मैंने बोल दिया आईटेक्स का जितना भी हमारा खाता है या हम बाजू में SBI के एक ब्रांच है वहां पे खुला है, तो एस्क्रो अकाउंट भी मैं खोलूंगी तो कहाँ खोलूंगी, वहीं खोलूंगी। बहुत 50 जगह थोड़ी ना खोलूंगी, एक जगह बैंक में सारे काम हो रहे होंगे। ठीक है, चलो। तो एक्वायरर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में नॉर्मल एक अकाउंट खुला लेगा जिसका नाम होगा एस्क्रो अकाउंट। अब बच्चा बस क्या एस्क्रो अकाउंट होगा? नहीं, आईटेक्स का एस्क्रो अकाउंट, टाटा का एस्क्रो अकाउंट, रिलायंस का एस्क्रो अकाउंट, ऐसे नाम होते हैं, प्रैक्टिकली बता रही। क्लियर बच्चा? चलिए, कब खुलवाना है? 7 वर्किंग डेज। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ जब SR पास हुआ, जनरल मीटिंग में SR पास हुआ 7 दिन के अंदर। सबने हाँ बोल दिया? किस किस ने हाँ बोल दिया बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ कह दिया, शेयर होल्डर ने कह दिया। इन्होंने क्या बोला है भैया, अब क्या करवा लो, 7 दिन के अंदर अकाउंट में पैसे डलवा दो। अब इसमें पैसे डालना है, डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट कौन करेगा? प्रमोटर। क्या डिपॉजिट करेगा? कैश। अब हो सकता है कि कैश है और हो सकता है कैश अभी नहीं है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने, ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा बच्चा, यहाँ पे ऑप्शंस बता रही हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रमोटर क्या करेगा, कैश डाल दे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चा, बैंक गारंटी। चलिए, व्हाट डू मीन बाय बैंक गारंटी, इसको हम समझते हैं। कोई बता सकता है बैंक गारंटी क्या होती है? दिशा मालूम है? नहीं, कोई बात नहीं, मानसी। हाँ ऐसा ही कुछ होता है, समझना अब बच्चा। हाँ मैं कह रही हूँ, मैं खरीद रही थी ना, मैं खरीद रही थी। ठीक है बच्चा, मैं कौन हूँ, प्रमोटर हूँ, एक्वायरर हूँ, मैं एक्वायरर हूँ ना। मैंने पूरा ये डीलिस्टिंग का पूरा षड्यंत्र रचा है ना कि मुझे डीलिस्टिंग करवाना है। तो बच्चा मैंने एक बंदे को अपॉइंट किया था, मर्चेंट बैंकर। ठीक है, मर्चेंट बैंकर भी कौन है, बैंक ही है, बैंक ही है, मुझे पूरा फाइनेंस कर रहा है वो, मुझे पूरा फाइनेंस कर रहा है। या तो मेरे पास कैश रखा है, मैंने अपने अकाउंट से पूरा कैश निकाल कर आईटेक्स के एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैंने कहा सुन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मर्चेंट बैंकर एक काम कर, गारंटी, मुझे गारंटर चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? एक गारंटर, वो गारंटर बैंक होना चाहिए। बैंक क्या बोलता है, मुझे गारंटर ला कर दो, कभी कभार बोलते हैं ना। तो उन्होंने क्या बोल दिया, बैंक गारंटी इन द फेवर ऑफ दी मैनेजर। ये बैंक गारंटी किसके नाम पे दी जाएगी, मैनेजर, मतलब मैंने, मेरा मैनेजर कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा मर्चेंट बैंकर है मेरा, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या मेरा, मर्चेंट बैंकर। इस मर्चेंट बैंकर ने SBI को बोला कि भाई सुन बैंक गारंटी दे रहे हैं हम, ठीक है, पे तो यही करेगा, पे तो मैं ही करूंगा, इनकेस मैं नहीं पे कर पाया तो वो खड़ा है, वो खड़ा है पैसे देने के लिए, दैट इज बैंक गारंटी। क्या बात समझ में आ रही, मतलब बैंक ने गारंटी दे दी कि मैं पे कर दूंगा अगर ये भागता है तो, बैंक गारंटी। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, वेरी गुड, CSET में कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। वापस बच्चा, मैं भागी तो मेरे बिहाफ में कौन देगा, बैंक, मेरे बिहाफ में कौन देगा, बैंक, दैट इज बैंक गारंटी, दैट इज बैंक गारंटी। पहला ऑप्शन, मैं कैश डिपॉजिट कर दूं, दूसरा मैं कैश नहीं कर रही हूं, बैंक की गारंटी लेकर दे दी, तो ये लो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में साइन करके बैंक ने दे रखा है, यही पे करेगा, ये नहीं करेगा, तो मैं खड़ा हूं उसके पीछे। क्या ये बात समझ में आ गई? तीसरा ऑप्शन, दोनों का मिक्स, बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आधा पैसा डाल दिया, आधे की बैंक गारंटी। तो कितने ऑप्शन है एस्क्रो अकाउंट में, क्या क्या डाल सकते हैं? तीन। पहला पूरा कैश, या फिर बैंक गारंटी, या फिर दोनों का मिक्स, आधा कैश आधा बैंक गारंटी। क्लियर है? आ जाओ वापस आते, पहला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ बच्चा, पहला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। पहला पैराग्राफ क्या बोलता है समझेंगे वापस। एक्वायरर एस्क्रो अकाउंट ओपन करेगा 7 दिन के अंदर, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उसमें डिपॉजिट करेगा।
अब बच्चा आपको पता चल गया क्या क्या, या तो कैश डिपॉजिट करेगा या तो बैंक गारंटी डिपॉजिट करेगा, दोनों का मिक्स कितना करेगा 25%, कितना 25%, 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन। बच्चा मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी थी, पहले से सारी कैलकुलेशन हो रखी होती है, सपना नहीं आता एकदम से, पूरी की पूरी कैलकुलेशन हो चुकी होती है। टोटल कंसिडरेशन जो भी कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, जो भी पब्लिक शोल्डर को आप देने वाले, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा फ्लोर प्राइस या फिर इंडिकेटिव प्राइस। ये क्या क्या बातें कर रहे हो दीदी, समझ में आ रही है? फ्लोर प्राइस वर्ड सबसे पहले समझते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। क्या आपको बुक बिल्डिंग समझ में आ गया था? व्हाट डू मीन बाय बुक बिल्डिंग? एक रेंज होती है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। हमने कहा हमारी प्राइस, तो हमने एक रेंज दे रखी है, मैंने कहा 100 से 120 एक मिनिमम और एक मैक्सिमम है। मिनिमम प्राइस क्या है? टेक्निकली अब आप इसे मिनिमम प्राइस नहीं बोलेंगे, इसे फ्लोर प्राइस बोलेंगे, टेक्निकल नाम है क्योंकि आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हो, दैट वाज फ्लोर। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैक्सिमम को क्या बोलेंगे? कैप प्राइस, कैप लग गई, इससे ज्यादा नहीं, कैप प्राइस। लेकिन यहाँ टेक्निकल नेम कैप प्राइस है, सीलिंग भी बोल सकते हैं, एक लिमिट हो, सीलिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आप बुक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में मिनिमम और मैक्सिमम को किस टेक्निकल नेम से जानोगे? फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। आगे चलकर दूसरे चैप्टर्स में भी ये वर्ड यूज होंगे, तो समझ जाना। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम की बात करें, कैप प्राइस मतलब मैक्सिमम। सीलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कैप बोलेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? बता रही मैं, रुक रुक बता रही। पहले मैं एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रही हूँ। फ्लोर और कैप समझ में आ गया? इन्होंने कहा भैया बिडिंग तो नहीं हुई है ना, तो इन्होंने क्या बोला? मिनिमम प्राइस ले लो ना, आपने तो कोड किया है ना, लेटर ऑफर में तो लिखोगे ना, लेटर ऑफर में ये प्राइस रेंज नहीं लिखोगे क्या? नहीं तो वो तो हवा में लगाएगा ना, मैं तो एक रुपए से चालू कर देगा वो। हम लेटर ऑफर में सारी बातें लिखेंगे, ठीक है, हम आपको ये पहले से ही बुक बिल्डिंग की जो ये रेंज है आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको जो प्राइस कोड करनी है वो 100 से 120 के बीच में करनी है। क्या ये बात समझ में आई? आपको तो मालूम है ना कि किसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, किस क्लास ऑफ शेयर्स को दे रहे हो, जितने क्लास ऑफ शेयर्स आप कह रहे हो, आप इक्विटी को दे रहे हो, आपकी टोटल कितने इक्विटी पब्लिक शेयर होल्डर्स है ना, पब्लिक को दे रहे हो ना, कितने पब्लिक शेयर होल्डर है जिनको ये ऑफर दे रहे हो, ये आप निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो। आउटस्टैंडिंग जिनको देने का सोच रहे हो, दिया नहीं है ना अभी, दे रहे हो, आउटस्टैंडिंग जितने पब्लिक शेयर होल्डर है वो ले लो, मल्टीप्लाई करो किससे? फ्लोर प्राइस। पहले बताओ फ्लोर प्राइस समझ में आई? पक्का पक्का? इन्होंने कहा प्राइस फाइनल तो नहीं है, 100 रुपए है और 100 रुपए से 120 रुपए, तो प्लीज एक काम करो मिनिमम प्राइस ले लो, मिनिमम प्राइस 100। अब आपकी रजिस्टर में तो है ना कि कितने पब्लिक शेयर होल्डर है, जितने पब्लिक शेयर होल्डर है जिनको आप देने का सोच रहे हो, कुछ हाँ बोलेंगे कुछ ना बोलेंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना है, कुछ हाँ बोलेंगे कुछ ना बोलेंगे, जबरदस्ती नहीं है, कोई आपके साथ ही जाना चाहता है, तो हम तो एक एस्टिमेट ले लेंगे, एस्टिमेट बेसिस में उतना पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाल देने का। हम कह रहे कि भैया आपके 10,000 शेयर होल्डर्स है, कितने हैं? 10,000, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, एक फिगर आएगा, उसका 25%, उसका 25% कितना आएगा बच्चा, कितना आएगा? 2.5 लाख कहां से आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लाख आ गया, हाँ उसका 25%, ठीक है। तो ये 25% आप क्या करोगे, 25% 2.5 होगा, 10 लाख का कितना होगा? 2.5 होता है क्या? नहीं। कितना होता है? 25 हो गया ना, 2.5 हुआ, सही बोल रहे हैं, ठीक है, 2.5 लाख। 2.5 लाख कहाँ डालोगे बच्चा? एस्क्रो अकाउंट में। कौन डालेगा? प्रमोटर डाल देगा। क्या ये बात समझ भाई? लेकिन ये तो बस फ्लोर प्राइस, ये क्या लिखा है? इंडिकेटिव प्राइस। समझना, इंडिकेट करना। प्रमोटर बहुत चेंज होता रहता है, चाहे तो हाँ बोले चाहे तो ना बोले, ऐसे बहुत सारी कहानियां भी पूरे लंबे प्रोसेस में। अगर उसने पहले से ही एक प्राइस इंडिकेट कर रखी है, रेंज तो 100-120 थी, उसने इंडिकेट कर दिया कि भाई ये प्राइस होगी तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसकी भी तो मर्जी चलेगी ना, उसने कहा 110 होगा तो कम हो रहा है तो अच्छी बात है ना, लेकिन उसकी मर्जी है, है ना। अगर कोई एक प्राइस इफ एनी गिवन बाय द एक्वायरर इन द टर्म ऑफ द रेगुलेशन, तो व्हिचएवर इज हायर। अब फ्लोर प्राइस हमारी 100 थी, यस और नो? उसने बोल दिया था मैं कितना रख रहा हूं, 110, व्हिचएवर इज हायर, तो प्लीज 100 से मत करना, किससे मल्टीप्लाई करना? 110। ये बात समझ में आ रही है?
वापस हम पढ़ क्या रहे हैं, एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कौन खोलता है, क्यों खोल रहा है, ये सब समझ में आ गया। अब हम थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ रहे हैं कि भैया कितना पैसा डालना है, क्योंकि आप बताओगे ना प्रमोटर को, आपको सारे कंप्लाइंसेस करवाने हैं, आप कहोगे भैया इसमें पैसा डालो, बोलेगा कितना डालना है, आप कहना कि भैया हमारी फ्लोर प्राइस क्या है और आपने क्या प्राइस सोची है। उसने बोला भैया मैंने तो प्राइस 110 सोची है, उन्होंने कहा फ्लोर प्राइस हमारी 100 है, तो विच एवर इज हायर आपको कैलकुलेट कर कर देना है 110 रुपए के हिसाब से। आप पूरा रजिस्टर खोलना, पब्लिक शोल्डर देखना, पब्लिक शोल्डर देखा मल्टीप्लाई किया इसका 25%, विच एवर इज हायर एस्क्रो अकाउंट में डलवा देंगे। क्या डलवा दोगे? पक्का? पहला पैराग्राफ समझ में आया, चलिए दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। एक्वायर हमारा वही प्रमोटर पीएससी, एंटर इनटू क्या लिखा है, ट्राइपार्ट ट्राइपार्ट अग्रीमेंट, मतलब तीन पार्ट अग्रीमेंट के, तीन पार्ट होंगे अग्रीमेंट के, कितने पार्ट होंगे बच्चा, तीन पार्ट। अग्रीमेंट एक है, इसके कितने पार्ट है, तीन पार्ट। फिर उनका तीन इंपॉर्टेंट बातें, मुझे ये बताओ ये पूरा का पूरा एक्वायरर ये अपना काम किससे करवा रहा है, मर्चेंट बैंकर से। तो मर्चेंट बैंकर ही बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इसने कहा कि सबसे पहले जो एक्वायरर है ये अपना सारा का सारा काम किससे करवा रहा है, मर्चेंट बैंकर, जिसको यहाँ पे बार बार मैनेजर बोला जा रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भैया सुनो एक्वायरर अपना पूरा काम किससे करवा रहे हो, मैनेजर से। अकाउंट जो है उसमें पैसे डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्वायरर की है, एक्वायरर की है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की है, भले वो भी मर्चेंट बैंकर से लेकर डलवाए, ठीक है। ध्यान देना, उन्होंने कहा है ये एक्वायरर है और ये मैनेजर है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, इन्होंने कहा कि तीन पार्ट में आपका डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट समझेंगे, मैनेजर। सबसे पहले क्या लिखा है हमारा, मैनेजर। सबसे पहला एक्वायरर एंटर करेगा अग्रीमेंट, एक्वायरर का अग्रीमेंट होगा किससे बच्चा, हमारे मैनेजर्स। पहला पार्ट समझ में आ गया, पहला अग्रीमेंट क्या हो रहा है बच्चा, एक तरफ एक्वायरर है और दूसरी तरफ मैनेजर, एक तरफ एक्वायरर और दूसरी तरफ मैनेजर है, ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या लिखा है, एक तरफ एक्वायरर है और दूसरी तरफ बैंक है, अग्रीमेंट नहीं होगा क्या, अकाउंट ओपन होना इज अग्रीमेंट। अगर आपका नॉर्मली किसी बैंक में अकाउंट खुला तो आपने अग्रीमेंट किया है बच्चे, ठीक है। क्या बात समझ में आई? तो पहला अग्रीमेंट किस किस के बीच में हो रहा है, एक्वायरर और मैनेजर, दूसरा अग्रीमेंट एक्वायरर और बैंक है, ठीक है। लेकिन अब मैनेजर बैंक की पूरी फॉर्मेलिटीज देख रहा है, तो एक्वायरर क्या करेगा, पूरी ऑथराइजेशन देगा। एक्वायरर क्या करेगा बच्चा, पूरी ऑथराइजेशन देगा। क्या ऑथराइजेशन देगा, कि भैया तुम बैंक से डील करो ना, मेरे बिहाफ में बैंक से डील करो। तो क्या लिखा है बच्चा, तीसरा देखो, ऑथराइज, एक तरफ एक्वायरर है दूसरी तरफ मैनेजर, ऑथराइजेशन दे रहा है मैनेजर को कि भैया ऑपरेट करो सच अकाउंट एज पर दी प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन। मतलब कितने टाइप के अग्रीमेंट हो गए, तीन, तीनों में एक्वायरर है, पहले में एक्वायरर और किसके बीच में, मैनेजर के बीच, फिर बैंक, फिर मैनेजर। पहले वाले में एक्वायरर ने अपॉइंट किया है मैनेजर को, फिर ऑथराइज, थर्ड वाले में एक्वायरर ने ऑथराइजेशन दी है कि भाई सुन बैंक से डील कर। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एक्वायरर, ये मैनेजर, ये बैंक, फिर इन दोनों में लिंक कराने वाला तीसरा, तीसरा अकाउंट। बात समझ में आ गई? तो बस यहाँ पे यही बातें बताई जा रही है, दैट्स इट, सिंपल बातें बच्चा। पक्का एस्क्रो अकाउंट की डिटेलिंग समझ रहे, डिटेलिंग, ठीक। चलिए पहला और दूसरा समझ में आ गया, चलिए तीसरा चलते हैं। मुझे बताओ एस्क्रो अकाउंट में कितने पैसे डाले थे, 25%? पूरा पैसा डाला था? नहीं। ये 25% कब डाला था, जब शेयरहोल्डर की अप्रूवल है ना, शेयरहोल्डर की अप्रूवल होने के 7 दिन के अंदर 25% डाला। क्या होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, छोटे मोटे अमाउंट नहीं होते ये, बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। तो पहले 25% डाल दो, बाकी के 75% बचा है डालना पड़ेगा। बिफोर मेकिंग द डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, मुझे बताओ एस्क्रो, बैंक ने अप्रूवल दे दी थी, शेयरहोल्डर ने अप्रूवल दे दी थी, लेकिन अभी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल मिली है क्या, नहीं। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कब दिया जाता है, इस डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल मिल जाती है, मिल जाती है। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कब किया जाता है बता। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल देगा उसके एक एक दिन के बाद, है ना। इन्होंने बोला डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट बिफोर मेकिंग, इन्होंने क्या बोल दिया, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देने से पहले,
इन्होंने कहा एक्वायर शेल डिपॉजिट इन द एस्क्रो अकाउंट द रिमेनिंग कंसिडरेशन, ये रिमेनिंग कंसिडरेशन कितना था 75%। अब 75% किसका, रीड करो तुम लोग खुद ही रीड करो, कुछ अलग लिखा है क्या? सेम, जैसे 25% निकाला था वैसे 75%, मतलब बचा बुचा पूरा देना है। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन एग्जाम्पल के हिसाब से हम 10 लाख देख रहे थे तो 2.5 दे दिया था, बाकी के कितने बचे हमारे 7.5 मिले। ये भी अब डिपॉजिट कर दो, कब? डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देने से पहले। इन शॉर्ट प्रोसेस में जाओ, सबसे पहली प्रोसेस का पार्ट क्या था? इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट, तीसरा क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर क्या था? शेयरहोल्डर अप्रूवल, मतलब शेयरहोल्डर मिल गया। फिर उसके बाद एस्क्रो अकाउंट, उन्होंने क्या बोल दिया भैया एस्क्रो अकाउंट में कब? डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले पहले 100% पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? पहले 25% दे दो, फिर बाकी 75%। हाँ, मतलब अगर मैं आज डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देने की सोच रही हूँ ना, तो कल तक में पूरा 100% पैसा आ जाना चाहिए, रिमेनिंग 25 भी आ जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो 25 दे चुके हो। समझ में आया? इन्होंने क्या बोल दिया? बिफोर न्यूज़पेपर में छापने से पहले, क्योंकि न्यूज़पेपर में छप गया, अब आपको आगे करना पड़ेगा, प्रोसीड तो करना ही पड़ेगा, अभी डिस्पैच विस्पैच पूरा पैसा दे दो। समझ में आया? चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई, पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फोर्थ, प्राइस डिस्कवर होगी फाइनल, अब ये वही इसका कंटिन्यू पॉइंट। फ्लोर प्राइस तो मिनिमम थी, इंडिकेटिव प्राइस दो प्रमोटर ने बोली थी, बिडिंग विडिंग सब हो गई। अब बच्चे ये थोड़ी डिटेलिंग बता रहा है, ये आगे की भी कहानी बता रहा है, ये प्रोसेस का पार्ट नहीं, इसलिए मैंने पहले आपको एक मेन प्रोसेस बोल दिया। अब जब उन्होंने बोल दिया भैया डिटरमिनेशन ऑफ द डिस्कवरी प्राइस, एक प्राइस फाइनल हो गई, मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब न्यूज़पेपर में, प्रमोटर ने इस डिस्कवर प्राइस को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट, मर्जी थी ना, एक्सेप्ट भी कर सकता और रिजेक्ट भी। रिजेक्ट करेगा तो दो ऑप्शन, काउंटर ऑफर दे भी सकता है और नहीं भी। हम ये मान के चल रहे जो भी प्राइस डिस्कवर भी है प्रमोटर उसे एक्सेप्ट कर रहा है, न्यूज़पेपर में छाप दे ये फाइनल प्राइस है, मतलब सबको पता चल जाएगी फाइनल प्राइस क्या है। ठीक है, फाइनल प्राइस जो भी आती है एक्वायर तुरंत डिपॉजिट करेगा एस्क्रो अकाउंट में, सच एडिशनल सम जितना भी आता है। फ्लोर प्राइस 100 था, इंडिकेटिव प्राइस 110 था, मान लो 120 फाइनल हो गया, तो अब 10 रुपए और चाहिए, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे एडिशनल सम डिपॉजिट कर देगा, बस यही बात लिखी है, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? बचा बुचा पैसा, समझ में आया? समझ में आया? अगर कम फाइनल प्राइस क्या आती है? 100 आती है, तब क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, वो भी बाद में, अभी तुरंत नहीं निकालेगा, वो कहेगा पहले पूरा काम तो खत्म हो जाने दो, अभी है तो रहने दो, लेकिन अगर चाहिए तो अभी चाहिए, वो बाद में नहीं चलेगा। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ समझ में आ गया, आ जाइए फिफ्थ। अब ऊपर वाला ऑप्शन इन्होंने क्या बोला? प्रमोटर ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब नीचे वाला पैराग्राफ की बात कर रहा है, प्रमोटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा रिजेक्ट भाई, 120 फाइनल हो रहा है, मेरे को नहीं करना है। इन्होंने बोल दिया फेल हो गया, डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि प्रमोटर ने नाम बोल दिया, ठीक है, काउंटर ऑफर भी नहीं दिया। इन्होंने कहा तुरंत के तुरंत कितने 99% ऑफ अमाउंट जो भी एस्क्रो अकाउंट में थे रिलीज कर दो, किसको दे दो? एक्वायरर। मना कर दिया ना उसने, अब उसका पैसा फंसा है ना, उसने पूरा 100% डाल दिया था, 100% डाला था, लेकिन रिटर्न उसको कितना मिल रहा है? 99। भाई इतनी मेहनत भी तो करी थी कंपनी ने, बहुत सारे खर्चे भी तो हुए थे, उन्होंने कहा भैया 1% डिडक्ट हो जाएगा तुम्हारा, कितना परसेंट डिडक्ट हो जाएगा? 1%। समझ लो 10 लाख डाला था, कितने मिल जाएंगे? 9 लाख मिल जाएंगे, 1 लाख आपका डिडक्ट। ये 1 लाख कहाँ जाएगा? इन्होंने कहा अभी काम बचा है, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी थी शेयर्स की, आपने प्राइस तो कैंसिल कर दी, उसने बोला भैया 120 मुझे बहुत महंगा लग रहा है, तो अब हमें वापस रिटर्न करना है, उसमें लगेगा खर्चा आपका, इस 1 लाख से हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, ये काम पूरी कंपनी करवा रही थी, इसको पूरा कवर किया जाएगा, तो 99% रिटर्न किया जाएगा टू प्रमोटर, मतलब एक्वायरर, समझ जाना, प्लीज आप प्रमोटर वर्ड यूज मत करना, समझाने के लिए मैं प्रमोटर बोलती हूँ, आपको एक्वायरर ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि एक्वायरर में प्रमोटर भी आ जाता है और पीएसए भी आ जाता है। 1% किसको दिया जाएगा? जितनी भी पब्लिक शेयरहोल्डर है उसको रिटर्न करने का जो भी पूरा खर्चा होगा कंपनी सारा उसमें इन्वेस्ट कर देगी। आओ एक बार रीड करें, पूरा पूरा पैराग्राफ मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। चलिए,
फेलियर ऑफ द डीलिस्टिंग ऑफर 99% ऑफ द अमाउंट लिंग इन द एस्क्रो अकाउंट शेल बी रिलीज टू एक्वायर विद इन, कितने दिन के अंदर? एक दिन. कब? अगर आपने एक्सेप्ट किया तो भी पब्लिक अनाउंसमेंट की एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने रिजेक्ट किया तो भी पब्लिक अनाउंसमेंट की रिजेक्ट कर दिया, ताकि सबको पता चल जाए. जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट किया वहां से एक दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा 99% किसको उठाकर दे दो? प्रमोटर को, एक्वायरर को. यहां से रिमेनिंग जो बचा कितना? 1%. जो भी अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में रिलीज कर दो. क्या लिखा है? पोस्ट रिटर्न. ये पैसा किसमें यूज होगा? पोस्ट रिटर्न ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक शेयरहोल्डर. पब्लिक शेयरहोल्डर को रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं उनकी जितने भी शेयर्स, उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया था इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जो भी हो रहा था पूरा खर्चा पानी, और जो भी कंफर्मेशन की रिवोकेशन हो गया है, इन सारी चीजों में जो भी लगेगा, ये पूरा 1% उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा. बात समझ में आ गई क्या? नहीं नहीं, कंटिन्यू. अब क्या लिखा है बच्चा? नेक्स्ट हेडिंग बताओ. एस्क्रो अकाउंट में पूरे पैसे डाल दिए, ठीक है. पूरे पैसे डालने के बाद अब क्या हो रहा है? न्यूज़पेपर में छापना था एक दिन के अंदर, हमने क्या कहा था? डाल दो फिर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करो. यही था न्यूज़पेपर में क्या लिखा है? एक्वायर विद इन एक दिन के अंदर, इन प्रिंसिपल जब भी अप्रूवल मिली वहां से एक दिन के अंदर अंदर डिटेल. कहां? एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक जहां रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जहां डील स्टोर है. कहां है भैया? दोनों के दोनों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र न्यूज़पेपर में, ठीक है. डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट शेल कंटेन, क्या लिखा है? मटेरियल में खुद एक बार लॉजिक लगाओ. मान लो एक जनरल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तुम लोग कहोगे दीदी ये तो बता ही नहीं था मटेरियल. बच्चा खुद दिमाग लगाओ, मटेरियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होगा? आप क्या छपाओगे न्यूज़पेपर में? अपनी कंपनी का नाम, उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां डील स्टोर है, एक्वायरर कौन है पूरी डिटेलिंग बताएगा, प्रमोटर, पीएसी कौन है बच्चों में, सारी मटेरियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. किस प्राइस में हम क्या क्या करने का सोच रहे, प्राइस अगर फाइनल, वेरी गुड. अब मैं कह रही हूँ कि प्राइस तो अभी फाइनल नहीं हुई, तो क्या बताओगे? बुक बिल्डिंग की रेंज बताओगे, फ्लोर प्राइस या फिर कैप प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस भी है तो भी बता दो, सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन बता देना. और बोल, उन्होंने बोल दिया वो इन्फॉर्मेशन जो कहाँ लिखी है? शेड्यूल वन में. शेड्यूल वन में यही सारी बातें लिखी है, ठीक है. और क्या लिखा है? नॉट कंटेन, ध्यान रखना गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना, तो गए फिर अंदर भी हो जाओगे, क्योंकि आप लालच दे रहे हो झूठ बोलकर, ठीक है. डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट शेल ऑल्सो स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई? प्लीज ये भी लिख देना उसमें, किस दिन. ये बात तो किसी ने बोली नहीं, डेट भी तो बतानी थी. इतनी इंपॉर्टेंट बात कि विंडो ओपन होने वाली है 5 दिन की, कब से कब तक, ये सब भी तो बताओगे. आगे की पूरी कहानी बताओगे डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में, ठीक है. डेट बता दो, स्पेसिफाइड डेट बता दो, नेम ऑफ द शेयरहोल्डर बता दो, टू होम द लेटर ऑफर शैल बी सेंट, सब इन्फॉर्मेशन बता दो. भैया हम ऐसा ऐसा करने वाले जिस दिन को, ऐसा ऐसा हम इन इन लोगों को देने वाले, क्लियर है, ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए. चिल्लर पॉइंट था डिटेल पब्लिक अनाउंस. एक्वायर डिस्पैच करेगा लेटर ऑफ ऑफर किसको? पब्लिक शेयरहोल्डर को. कितने दिन के अंदर? 2 दिन. कहां से? डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर से, ठीक है. चलिए सेंड कर दे देगा सबको. अब इन्होंने बोल दिया इसकी जो कॉपी है ना लेटर ऑफर की, आपने दिया पब्लिक शेयरहोल्डर को है, इसकी एक जो कॉपी है ना प्लीज अवेलेबल करवा दो वेबसाइट. किसकी वेबसाइट और किसकी? मर्चेंट बैंकर की भी वेबसाइट में दिख रहा होगा, ताकि पता चल जाए ये हमारा मर्चेंट बैंकर है. अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हो तो वो बताता है ये हमारा मर्चेंट बैंकर है. मतलब उस मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट में भी जाओ, वहां भी इन्फॉर्मेशन होगी इस कंपनी का, हम ये काम देख रहे हैं, पूरा लेटर ऑफर हमने ये डिस्पैच किया. मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल है ये लेटर. बात समझ में आ गई? कंपनी की वेबसाइट में भी देख सकते हो और मर्चेंट बैंकर. तो प्लीज इसकी कॉपी देख लो, यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए. लेटर ऑफर शेल कंटेन सारे के सारे डिस्क्लोजर, जो भी कहा दिए थे, मतलब जो न्यूज़पेपर में आपने ऐड दिया था वही सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी होनी चाहिए. क्या बात समझ में आई? ताकि हर कोई पढ़कर समझ सके कंपनी कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही है. पब्लिकली जब लिखना होता है ना तो कंपनी बहुत सोच समझ के लिखती है, क्योंकि कोई भी पढ़कर उंगली कर सकता है. क्लियर है बच्चा? चलो ये जनरल बात थी. सीएसई बनाएगा, सीएस एक्चुअल में क्या होता है, मर्चेंट बैंकर एक बैंक है, आर्टिफिशियल बॉडी है, उसके अंदर लीगल ऑफिसर ही बैठे हुए जो कि हम ही लोग होते हैं. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? बिडिंग मैकेनिज्म, मतलब पूरी बिडिंग चलोगी. बोली हमने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट भी रेंज दे रखी होगी, लेटर ऑफर में भी रेंज लिखी होगी, यस और नो? अब बिडिंग चालू, बिडिंग इन्होंने क्या बोल दिया, कितने दिन में ओपन हो जानी चाहिए? 7 डेज का आंसर.
चालू अगर कर दिए तो कितने दिन के लिए विंडो ओपन होनी चाहिए? 5 वर्किंग डेज के लिए तो ओपन रखो। इसमें अब बोलियां चालू हो जाएगी, कोई कह रहा है 100, कोई कह रहा है 120, कोई बोल रहा है भाई 110, कोई कह रहा है 105, कुछ भी बोल सकते हैं ना, 100 रुपए भी बोल सकते हैं, 105 भी, 110 भी, 115 भी, 120 नहीं। बच्चा नोटिस करो, मैंने 5 5 5 5 का गैप लिया है, मैंने 101 क्यों नहीं बोला, 102 क्यों नहीं बोला, 103 क्यों नहीं बोला। एक्चुअली में बहुत वेरिएंट हो जाते हैं, बहुत खिचड़ी पक जाती। लॉ बोलता है 5 5 का गैप ले लेना, लॉ ही बोलता है 5 5 का गैप ले लेना, इसलिए मैंने ये रेंजेस बताई है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस अपने आप में एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। उसके रूल्स रेगुलेशंस बोलते हैं भैया 5 5 का गैप ले लेना, क्योंकि कोई क्या कहेगा, मैं 101.5 में खरीदूंगा, ये भी तो हो सकता है ना, 0.6 0.7, तो इतनी खिचड़ी ना पके, कैलकुलेट करने वाले के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए। तो रेंज दे दी, या तो 100 बोलो या तो 105, 110, समझ में आ गया। मान लो मैंने बोल दिया 500 से 510 के बीच में, तो क्या रेंज बनेगी बच्चा, 5 5 का गैप, 505 और 510, बस दो ही रेंज बनेगी, क्या बात समझ में आ रही है। 5 5 का गैप लॉ ही बोलता है। आगे चल के बुक बिल्डिंग की कंप्लीट प्रोसेस है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है इसलिए इतनी डिटेलिंग नहीं बताई, बट मैंने इन जनरल आपको बता दी, क्लियर है। चलिए, बिडिंग मैकेनिज्म का टाइम पीरियड आपको पता चल गया, 7 दिन में हो जाना चाहिए स्टार्ट, और जब भी स्टार्ट होगा एक बार खुलेगा तो 5 दिन के लिए ओपन होना चाहिए। चलिए, इन्होंने क्या बोल दिया, अब रिवर्स बुक बिल्डिंग चल रही है, इसका आउटकम आएगा, जो भी आउटकम आएगा मतलब इसका रिजल्ट आएगा, अनाउंस कर दो, कितने दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर अनाउंस करना है, जब भी बिडिंग पीरियड खत्म होगा, मतलब 5 दिन के लिए था, जैसे ही कंक्लूजन आए तुरंत पता चल जाएगा। आजकल बच्चा ये सब सिस्टम मशीन, इतनी सारी चीजें हो चुकी है, 2 घंटे के अंदर तुरंत के तुरंत क्या बोलोगे, फाइनल होगी ये प्राइस। हमने कहा फाइनल प्राइस होगी 120, कुछ भी हो सकती है ना, कैसे फाइनल होगी ये भी सिखाऊंगी, आएगा आपकी बुक में है, ठीक है। मान लो एक प्राइस फाइनल हो गई है, अब उन्होंने बोल दिया 2 घंटे के अंदर अनाउंस कर दो, और 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द बिडिंग पीरियड, जैसे बिडिंग पीरियड खत्म हुआ 2 घंटे के अंदर पब्लिकली आपने अनाउंस कर दिया, वेबसाइट एंड ऑल इन सब में भेज दिया। लेकिन 2 वर्किंग डेज के अंदर क्या करना है, एक्वायरर क्या करेगा, थ्रू दी एक्वायरर कुछ काम नहीं करता, जो भी काम करता है किसके हेल्प से करता है, मर्चेंट बैंक, थ्रू मैनेजर टू दी ऑफर मेक क्या करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट, सेम न्यूज़पेपर में जो पहले दिया था, मतलब ये जो डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर था ना, उन्हीं न्यूज़पेपर में फिर से बताएगा। पहले डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में हमने लिखा था हमको सबकी अप्रूवल मिल गई, हम ये कर रहे हैं, है ना, ये हमारी प्राइस रेंज है, रेंज बताई थी, दोबारा से ये हमारी फाइनल प्राइस है, पहले रेंज थी, पहले रेंज थी, आप क्या बता रहे, फाइनल प्राइस, समझ में आ गया। मतलब न्यूज़पेपर से पाला, बार बार पढ़ना, न्यूज़पेपर में एड देना, ये इन्फॉर्मेशन देना, मतलब पैसे लगना, बहुत पैसे लगते। आईटेक्स ने एक जमाने में एक बार बहुत पहले ऐड करवाया था फ्रंट पेज में, इतना छोटा सा करवाया था, 70,000 ले लिया था इतने छोटे से ऐड के, मतलब लाखों का रोड में बिकते हैं, ठीक है। तो आपको जो फ्रंट पेज दिखते हैं ना, जिसको हम लोग क्या एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं बच्चे, वो लाखों करोड़ों के होते हैं, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। चलो वापस आते हैं, तो कंपनी की ऐसी तैसी तो होनी है, एडवर्टीजमेंट बार बार करवाना है। चलिए, सेम न्यूज़पेपर इन विच डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, या तो क्या बताओगे, जो ये प्राइस है फाइनल, बस ये बोलोगे प्राइस फाइनल हो गई है, इस प्राइस जो ये फाइनल हो गई प्रमोटर्स के लिए हाँ बोल रहा है, या फिर जो ये प्राइस फाइनल हुई है उसके लिए प्रमोटर ना बोल रहा है, हाँ ना, या फिर काउंटर ऑफर, वॉट एवर, तो आप बताओगे एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया, सक्सेसफुल हो रहा है या फिर फेल हो रहे, ये रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस अलॉन्ग विद दी डिस्कवरी प्राइस। 2 पैराग्राफ समझ में आए, वापस कंक्लूजन, हम क्या पढ़ रहे हैं, बिडिंग मैकेनिज्म, पहला पैराग्राफ क्या बोलता है, 7 दिन के अंदर और 5 दिन के लिए ओपन रखना, जैसे ही होता है 2 घंटे के अंदर अनाउंस कर दो, लेकिन न्यूज़पेपर में छापने के लिए टाइम दिया है 2 दिन का, वही न्यूज़पेपर जिसमें आपने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट है ना, जिसमें सेम न्यूज़पेपर जिसमें डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट था, उसमें बस प्राइस फाइनल नहीं बतानी है आपको, प्राइस के साथ साथ इस 2 दिन में प्रमोटर क्या कह रहा है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये प्राइस एक्सेप्ट कर रहा हूं या फिर रिजेक्ट कर रहा हूं, तो प्लीज ये सब भी पूरा का पूरा प्राइस के साथ बता दीजिए। प्राइस ये फाइनल भी है, प्रमोटर रिजेक्ट कर रहा है, मतलब अब आगे कुछ नहीं होगा, प्राइस फाइनल भी लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करूं, मतलब अब आगे काम चलेगा, वेबसाइट में करता है, स्टॉक एक्सचेंज को बताता है, वहां बताता है, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए थोड़ा टाइम, क्योंकि अब ऐड देना छपाना ये सब थोड़ा सा टाइम टेकेंगे, ठीक है, 2 घंटे में नहीं हो पाएगा, मालूम है ना न्यूज़पेपर में कैसा काम होता है, रात रात होता है फिर सुबह जाता है, तो ये 2 घंटे में तो ना हो पाएगा, ठीक है। तुरंत ऑनलाइन जहां दे सकते हो वो तो दे दो, ठीक, चलो
हाँ लेकिन न्यूज़पेपर वाली बात उन्होंने 2 दिन का टाइम दे रखा है, लेकिन वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज इनको जल्दी दिया जा सकता है ताकि चेंज ना हो, कुछ खिचड़ी ना पकाए इसीलिए। हाँ तो भी देना पड़ेगा उसकी, फिर अलग से टाइम लाइन है काउंटर की। अभी बेसिक में जाओ ठीक है। चलो अब क्या लिखा है, कुछ नहीं चिल्लर टॉपिक, क्या लिखा है मैनुअल ऑफ टेंडरिंग। हाँ काउंटर ऑफर का हाँ सोचा, और उसकी फिर डेडलाइन अलग है। अभी काउंटर ऑफर की डेडलाइन अलग से मैं बता रही, एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा काउंटर ऑफर है, काउंटर ऑफर के लिए टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, बता दिया जाएगा ठीक है। तो दूसरी वाली डेडलाइन ले ली जाएगी, फिर ये 2 वाली दिन की नहीं लगेगी, काउंटर वाली अलग से। हाँ हाँ अभी देखना उसकी काउंटर ऑफर की अलग से पूरी की पूरी दे रखी है, अलग से एक चार्ट बना के रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग चिल्लर हेडिंग, बिल्कुल ये ध्यान देना है क्या लिखा है मैंने ऑफ ट्रेंडिंग शेयर, उन्होंने कहा तरीका बता के रखा होगा जो भी ठीक है, कुछ नहीं देखना भी नहीं। नेक्स्ट हेडिंग आओ क्या लिखा, राइट ऑफ, कुछ नहीं ये क्या बोल रहा है, रिवर्स बुक बिल्डिंग में शेयर होल्डर का क्या राइट है। अब जनरल बातें हैं, पब्लिक शेयर होल्डर जो डिलीस्ट होना चाहते हैं शेल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस ठीक है। मैनेजर क्या बताएगा, टेक नेसेसरी स्टेप, सारे कंप्लायंसेस कराएगा, कुछ लिखा है क्या, जनरल बात। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, डिस्कवर्ड प्राइस, प्राइस एक डिस्कवर्ड होगा, हमने डायरेक्ट देख लिया था, उसकी प्रोसेस आपको पता है क्या, उसकी जो प्रोसेस है आगे पढ़ेंगे। फ्लोर प्राइस समझ में आता है, बुक बिल्डिंग की मिनिमम प्राइस तो फ्लोर प्राइस, फ्लोर प्राइस शेल बी डिटरमाइन, इन्होंने कहा कि भैया फ्लोर प्राइस नहीं दे रखा है यहाँ पे। रेगुलेशन 8 क्या लिखा है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की टेक ओवर में दे रखी है, उन्होंने कहा बार बार रिपीट नहीं करेंगे, उन्होंने कहा ये जो फ्लोर प्राइस है ना कैसे डिसाइड होती है, ये रेगुलेशन में दे रखा है 8 में टेक ओवर, लेकिन किसने बता रखा है, सेबी ने। याद करो हमने एक दूसरे दूसरे चैप्टर में पढ़ा है, पिछले 2 वीक का देख लेंगे, पिछले 6 महीने का देख लेंगे, ये मालूम है ना, इसी की जैसे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सेम है, ये रेगुलेशन 8 में ऐसी ही बातें कर रखी है, पिछले 1 साल का देखेंगे, पिछले 8 महीने का देखेंगे, पिछले 6 साल का देखेंगे, जो भी बहुत ज्यादा 6 साल बोल दिया, नहीं है 6 महीने ठीक है। ये पूरा रेगुलेशन 8 बोलते हैं, फ्लोर प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो मर्चेंट बैंकर उस फ्लोर प्राइस को निकालने में हेल्प करता है, सेबी ने बता के रखा है हम बताएंगे फ्लोर प्राइस और आपकी क्या प्राइस कितनी क्या होनी चाहिए, इन्होंने कहा यहाँ नहीं बताएंगे, रेगुलेशन 8 याद रखना, ये रेगुलेशन 8 वर्ड याद रखना, रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर बार 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 बोला जाएगा, समझाए बस एक ही चैप्टर में गया, क्लियर है, टेक ओवर। चलिए इन्होंने बोला डिस्कवर प्राइस शेल बी डिटरमाइन थ्रू द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये लिखा है कुछ और नहीं लिखा है, और कहाँ अनाउंस कर दो, सेम इन द लेटर ऑफर में भी तो लिखोगे, पता चले डिटेल में भी लिखोगे, फिर डिटेल के बाद जब फाइनल हो जाएगी वो भी अनाउंस कर दो, जनरल बातें। एक्वायर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो क्या करे, फ्लोर कैप निकल आएगी रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रमोटर के पास ऑप्शन है, एक्वायर के पास वो चाहे तो एक इंडिकेटर ऑप्शन है, आप कह देना भैया मत कर, इसी में अभी इतने कंप्लायंसेस कर रहे है ना, या फिर आप कहना कर ले लेकिन सजेस्ट क्या करोगे, फेवरेबल होना चाहिए, ज्यादा ही दे, प्रमोटर पर ज्यादा देने को तैयार होगा, दिल से चाहता है डिलीस्ट हो जाए तो देने को भी तैयार हो जाए ठीक है। चलिए हायर देन दी, क्या बोल दिया है, क्यों शेल बी हायर देन, क्यों बच्चा, नहीं तो डिलीस्ट होगा ही नहीं, वो कहेंगे भैया सेबी ने बोल दिया इतना रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग और तुम उसके नीचे देने का चाह रहे हो, मतलब मार्केट में हमारी औकात ज्यादा है और तुम्हें औकात से कम दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा। चलिए एक्वायरर चाहे तो क्या कर सकता है, इंडिकेटिव प्राइस को रिवाइज मतलब चेंज, लेकिन चेंज कब होना, कैसा होना चाहिए, परी नीचे मत जाओ, क्योंकि नीचे जाना मतलब डीलिस्टिंग नहीं होना, आप जो इतना लंबा चौड़ा काम कर रहे हो वो नहीं होगा, नीचे मत जाइए क्योंकि आपके अगेंस्ट होगा, नहीं नहीं कर सकते। इन्होंने कहा पहले 100 रुपए था हमारी फ्लोर प्राइस, क्या थी 100 रुपए थी, यस और नो बताओ, हमारे प्रमोटर ने क्या बोल दिया 110, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव दे सकता है, हाँ ऑप्शन है, उसने दे दिया, अब अपनी ही इंडिकेटिव को क्या बोल रहा है, चेंज, चेंज जाएगा तो कहां जाएगा, अपवर्ड ही जाएगा, नीचे मत जा, क्योंकि सामने वाले को देखो लालच आ गया ना, 110 दे रहा है, अब 105 करना मतलब बैक स्टेप अगर ये करेगा तो सामने वाले भी करेंगे, एक मिनट तुमने क्या बोला, बिडिंग हो गई, हाँ बिडिंग फाइनल डिस्कवर होगी, अब तुम काउंटर की बात कर रहे हो,
गए तुम नहीं दे सकते क्योंकि भैया अगेंस्ट, वो कह रहे हैं कम नहीं ज्यादा देने, हम हमारी सबकी यूनिटी ज्यादा की है तो काउंटर में क्या करो भैया, ज्यादा ज्यादा ही दो, अदरवाइज प्रमोटर फिर ना कर दे, पीछे ना जाए ना कर दे, ठीक है, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी क्योंकि नहीं, इंडिकेटिव के लिए कोई रूल नहीं है, बिडिंग के लिए, वो शेयर होल्डर के लिए, प्रमोटर कर सकता है, ठीक है। चलो इंडिकेटिव भी क्या होने चाहिए, बिफोर स्टार्ट द बिडिंग पीरियड, बिडिंग पीरियड से पहले स्टार्ट हो वो रिवाइज कर सकता है, लेकिन ध्यान रखे वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक। डिस्क्लोज कर दे शेयर होल्डर को कि भाई हाँ मैं ये रख रहा हूँ, ज्यादा रख रहा हूँ। एक्वायर में इफ डीम फिट पे अ प्राइस हायर देन, नॉर्मली है, हम तो पढ़ रहे हैं 100 से 120 था, डिस्कवर समझ लो कितनी होती है, वो चाहे तो 30 भी दे सकता है, मान लो 110 फाइनल हो गई, उसने इंडिकेटिव नहीं दे रखी थी, वो चाहे तो क्या कर सकता है, उससे ज्यादा, ज्यादा देना हमेशा फेवरेबल होता है, इसलिए उसने बोल दिया मे, चाहे तो ज्यादा, ठीक है। डिस्कवर प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द एक्वायर, मान लो एक आ गया डिस्कवर प्राइस 120 आ गया, क्या बोल दिया एक्वायर को, ठीक नहीं लग रहा है, अ काउंटर ऑफर मे, ऑप्शन है ना, मे मेड बाय द एक्वायर टू द पब्लिक शेयर होल्डर, लेकिन कितने दिन के अंदर, जब भी बिडिंग पीरियड खत्म होगा। अब मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा एक्सेप्ट हो गया तो 2 दिन के अंदर, एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो गया 2 दिन के अंदर क्या करो, पब्लिक शेयर होल्डर को अनाउंस करो एक्सेप्ट हो गया। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना बिडिंग मैकेनिज्म, 2 घंटे के अंदर अनाउंस करो ये न्यूज़पेपर में, अगर सक्सेस या फिर फेलियर, काउंटर ऑफर दे रहे हो तो क्या बोल दिया, 2 वर्किंग डेज मेड एक्वायर, 2 दिन के अंदर अंदर वापस से काउंटर ऑफर दो, न्यूज़पेपर में छापो नहीं और क्या करो, काउंटर ऑफर दे दो। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो या तो रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब काउंटर ऑफर नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट करना मतलब काउंटर ऑफर नहीं, रिजेक्ट ही कर दिया और रिजेक्ट कर कर काउंटर ऑफर नहीं दिया तो क्या कर रहे हो, 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में छाप दो कि भैया सब खत्म। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे काउंटर ऑफर देना है, तो आप 2 दिन के अंदर क्या करो, सामने रख दो, मतलब न्यूज़पेपर में ये बोलोगे कि भैया हम क्या कर रहे हैं, काउंटर ऑफर कर रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर बता ही रहे हो एक्सेप्ट रिजेक्ट या फिर काउंटर ऑफर। बात समझ में आ गई, कंफ्यूज, चलो वापस वापस वापस, या तो आपने सक्सेस बोला या तो आपने फेल, तीसरा ऑप्शन क्या था, काउंटर, वो भी कितने दिन के अंदर बताना है, 2 दिन के अंदर, समझ में आ गया, दोनों कंडीशन है, मतलब तीनों कंडीशन में 2 दिन के अंदर बताना है, ठीक है। चलिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर वो रिजेक्ट हो गया, हो सकता है ना, चाहे तो फिर न्यूज़पेपर, रुको ये बॉक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, आ जाओ यहीं पे पहले आ जाओ, क्योंकि हम लोग बार बार काउंटर ऑफर में जा रहे हैं, हेडिंग नहीं बता रही मैं, हेडिंग देखो क्या लिखा है, नहीं, सही है, बार बार दिमाग में आ रहा है ना, टाइमलाइन किसको लेकर है, काउंटर ऑफर, इन्होंने कहा सुनो काउंटर ऑफर को लेके पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द काउंटर ऑफर विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ, वो भी 2 दिन के अंदर, मैं ये बस कह रही हूँ कि सबके लिए दो 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 दिन ही दे रखा है इन्होंने, क्या बोल दिया, काउंटर ऑफर भी आप बता दो, उनको भी बता दो कि भैया हम काउंटर ऑफर में ये प्राइस दे रहे हैं, तो ये भी 2 ही दिन के अंदर, कुछ अलग से नहीं है, बस अलग से बताया गया है, जिस कारण से हमें क्या लगता है, वापस एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया 2 दिन के अंदर, इन्होंने यहाँ पे काउंटर नहीं बोला तो इसलिए हम कंफ्यूज है, लेकिन सच बताऊं अलग से डेडलाइन जो दे रखी है वो भी 2 दिन की ही है, इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ 2 दिन के अंदर सभी बता दो, एक्सेप्ट रिजेक्ट या फिर काउंटर, समझ में आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अलग से एक लिस्ट दे रखी है काउंटर ऑफर की, थोड़ी सी चीजें अलग अलग चलती हैं जो यहाँ है, क्लियर है बच्चा, पक्का, वापस आते हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब इन्होंने कहा भैया मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी एक्वायर्ड, प्रमोटर ने, प्रमोटर का ये सक्सेसफुल और रिजेक्ट होगा, प्राइस बेस्ड तो होगा होगा, लेकिन एक और शर्त है, मिनिमम, हम नॉर्मली बोलते हैं आईपीओ को लेकर, हम क्या बोलते हैं कितना हो जाना चाहिए, 90% बोलते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोल दिया, 90%, मतलब एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना, ऑप्शन है, लेकिन क्या हो जाना चाहिए, 90% लोग अगर हाँ कह रहे हैं तो ही हम मानेंगे ना, पब्लिक शेयर होल्डर, हम किसको ऑफर दे रहे थे, पब्लिक शेयर होल्डर, आपकी कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हम कह रहे हैं जनता का 90% अगर आपको शेयर आ जाते हैं तो ही हम मानेंगे ना, क्योंकि जनता क्या कह रही है, पूरे से एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाह रही है, तो
एग्जिट अपॉर्चुनिटी आ रही तो सक्सेसफुल है, अदरवाइज सक्सेसफुल होना या फिर सक्सेसफुल नहीं होना ये आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रमोटर बस प्राइस को लेके हाँ ना कर सकता है, लोगों ने दिए ही नहीं अपने शेयर्स, जब शेयर्स नहीं दिए तो सेबी हमेशा इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी, ये कहेंगे कि भैया अगर ये लोग शेयर्स नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग हैं, हम डिलिस्ट नहीं होने देंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी अब हमें देनी है इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारी जनता इन्वॉल्व है। मिनिमम क्या लिखा है, पोस्ट ऑफर ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर के शेयर होल्डिंग कितनी हो जानी चाहिए बच्चा, रीच 90% ऑफ टोटल इश्यूड ऑफ दैट क्लास, जिस क्लास को लेके आप कर रहे थे, पब्लिक की बात हो रही है, एक्सक्लूडिंग, इन्होंने बोल दिया कुछ एक्सक्लूड है इनको छोड़कर, वापस प्रमोटर की शोल्डिंग देखो, अब जाके उन्होंने प्रमोटर वर्ड यूज किया, अभी तक क्या यूज करते एक्वायर, एक्वायर, एक्वायर। प्रमोटर के साथ जब उन्होंने प्रमोटर लिखा, देखो पूरी लाइन लिखी है इसलिए वो बार बार एक्वायर लिख रहे थे, प्रमोटर किसके साथ, अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद द प्रमोटर, जब प्रमोटर लिखते हो तो बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्रमोटर वर्ड यूज मत करना, अगर प्रमोटर किया तो पीएससी को छोड़ दोगे, लिखोगे ही नहीं तुम लोग, इससे अच्छा बेटर क्या है एक्वायर, या तो लिखो एक्वायरर या तो लिखो प्रमोटर विद पीएससी, तुम बेस्ट क्या है एक्वायर लिखो। तो पोस्ट ऑफर, ऑफर करने के बाद 90% पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन हम इन चीजों को एक्सक्लूड करेंगे, जहां कहीं भी डिपॉजिट रिसीव्ड आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए एडीआर जीडीआर, क्या आना चाहिए एडीआर जीडीआर, समझते हैं, बताओ फिर वेरी गुड, इन्होंने कहा भैया 90% हो जाना चाहिए, लेकिन हम इनको एक्सक्लूड की लिस्ट में डाल रहे हैं, इन्होंने कहा जो बाहर अमेरिका में और जो ग्लोबल लेवल में जो है, एडीआर बोले तो अमेरिका को देंगे, जीडीआर बोले तो बाकी की जनता, कंपनी कहाँ की है, चलो कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, समझो समझो समझो, आईडीआर में तो फॉरेन कंपनी होती है, इंडियन कंपनी तो ये है, तो इसलिए यहाँ पे डिपॉजिट रिसिप्ट से मतलब क्या है एडीआर जीडीआर, ठीक है बच्चे, एग्जाम में घुमा फिरा किया तो डिपॉजिट रिसिप्ट लिखाओ या तो एडीआर जीडीआर लिखाओ, ठीक है, आईडीआर नहीं आएगा क्योंकि ये कंपनी तो फॉरेन कंपनी की होती है ना, मुझे बताओ ये सेकंड पॉइंट में क्या क्लिक हो रहा है, मैं नहीं बताने वाली, तुम लोग बताओगे, ट्रस्ट के पास है, ये कह रहे भैया ट्रस्ट के पास शेयर्स है, हम कैसे ले इनसे, ये नॉन पब्लिक होल्डिंग में आता है, नॉन प्रमोटर होल्डिंग, नॉन पब्लिक होल्डिंग, वो 16 पॉइंट पढ़ते थे, इन्होंने बोला 90% अचीव हो जाना चाहिए, इनको हम साइड कर रहे हैं, एडीआर जीडीआर को अलग करें क्योंकि ये फॉरेन में है, ये सारे शेयर्स घूम रहे हैं, या फिर ट्रस्ट के पास रखे हुए हैं संभाल कर, तो इसको भी हम नहीं गिन रहे, और क्या लिखा है, कुछ सोते हुए शेयर होल्डर्स है, इनके घर में हम लोग मेल भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये लोग आते ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं देते, तो इनके शेयर्स लें कैसे, तो 90% की जब कैलकुलेशन होगी, 90% की जब कैलकुलेशन होगी तो इनको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, एडीआर जीडीआर को नहीं किया जाएगा, इसॉप स्कीम के अकॉर्डिंग आपके पास जो शेयर्स है वो नहीं, और इनएक्टिव शेयरहोल्डर्स को नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये तो भैया वैनिश टाइप के, वैनिश कंपनी के वैनिश लोग हो गए, या फिर कंपनी क्या हो गई है, स्ट्राइक ऑफ, सिंपल भाषा में बोलो तो स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक जहां भी आ जाएगा तो समझ लो रिमूव हो गए हैं, रिमूव कंपनी के शेयर होल्डर भी गॉन केस हो गए, मतलब कुछ नहीं इनएक्टिव शेयर होल्डर्स है, बस मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, हाँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सक्लूड हो गया, इनके पास तुम कह रहे हो 70% है, इन्होंने कहा हमें बाकी 30% है ना, उसको 90% करेंगे, उसी का 90% देखेंगे, क्लियर है बच्चा, 90% कैलकुलेशन में इनको काउंट नहीं करेंगे, हाँ अब यहां तक सारी चीज समझ में आ गई, अब मैं आपको रोक, क्लियर है बच्चा, चलो मार्क कर लो।